सोचिए, यदि पुस्तक हमसे बात करने लगे तो? विद्यार्थी मित्रों, देखिए क्या कहता है पुस्तक। तैलाद्रक्षेत जलाद्रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्। तैलाद्रक्षेत, तेल से मेरी रक्षा करो। क्या होता है, हम स्कूल में बैठे हैं, हमें नींद आती है तो हम अपना सर पुस्तक के ऊपर रख कर सो जाते हैं। हमारे सर में जो तेल लगा हुआ होता है ना, वो पुस्तक को लग जाता है और पुस्तक खराब होता है। तो हमें ऐसे चीजों से पुस्तक को बचाना चाहिए। और एक बात होती है, हमारे स्कूल बैग में भी पुस्तक होता है, उसके साथ खाने का टिफिन भी होता है। कभी कभी हमारा टिफिन खुल जाता है, वो तेल पुस्तक को लग जाता है, पूरा पुस्तक खराब हो जाता है। तो हमें तेल से पुस्तक को बचाना चाहिए। दूसरी बात, जलाद रक्षित, पानी से भी हमें पुस्तक की रक्षा करनी चाहिए। रक्षित शिथिल बंधनात, उसका बंधन शिथिल होने से उसकी रक्षा करनी है, उसका बाइंडिंग लूज होने से हमें पुस्तक की रक्षा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मूर्ख हस्ते न दातव्यम, मूर्खों के हाथ में हमें पुस्तक कभी भी नहीं देना है। क्यों? एक तो वो फाड़ेगा, खराब करेगा या उसका गलत मतलब निकालेगा। ये तो सबसे बड़ा धोखा है पुस्तक के साथ, इसलिए हमें मूर्खों को पुस्तक नहीं देनी है। एवं वदति पुस्तकम, पुस्तक हमें यह बात कहता है। पुस्तक के बारे में और एक सुभाषित देखिए। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकस्थातु या विद्या, सोचिए हमने एक पुस्तक खरीद ली, उसको पढ़ा ही नहीं, घर पे रख दिया, तो क्या हुआ? पुस्तक में जो ज्ञान है वो पुस्तक में ही रह गया। वो हमारे मस्तिष्क में जाना चाहिए, हमारे दिमाग में जाना चाहिए, हमें उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, परहस्तगतम धनम, दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन। किसी ने हमसे धन मांगा, उसको हमने दे दिया। कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम, कार्यकाले जब हमें उन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है तब पुस्तक में थी वो विद्या वो भी हमारे काम नहीं आती, और दूसरों को दिया हुआ धन वो भी हमारे कुछ काम नहीं आता। इसलिए पुस्तक लाएं तो उसे पढ़ो और धन अपने लिए भी कुछ संभाल कर रखो।